हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लिए, ये शायद हमारे जितने भी वीडियो सीरीज़ हैं जो हमने अभी तक बनाई हैं और जो हम आगे बनाने वाले हैं, बहुत कम बार होता है कि कोई ऐसा वीडियो आता है जिसके लिए हम कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करते। टोटली हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड, टोटली हमने जो पास्ट में वर्क किया है उसके बेस पर हम वीडियो बना देते हैं। सो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा ही एक काम है जो मैं अपने डिग्री के टाइम पे करता था। आपको पता होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको लैब अटेंड करनी पड़ती है, लैबोरेटरी वर्क होता है और उसमें आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपके लैब मैनुअल के प्रोजेक्ट्स के तौर पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ डील करना होता है। कुछ सॉफ्टवेयर के साथ आपको कोप अप करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। सो ये काम मैंने अपने डिग्री के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा किया, चाहे फिर वो फर्स्ट ईयर की बात हो, थर्ड ईयर की बात हो, जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे काफ़ी इंटरेस्टिंगली हम काम करते थे इस पर। तो मैं आज चाहता हूँ कि मैं वही चीज़ अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो मुझे पता है, मेरा नॉलेज है, आप तक पहुँचाऊँ, आप तक शेयर करूँ। तो आज मैं एक ऐसा ऑनलाइन आपको टोटली फ्री सॉफ्टवेयर, टोटली फ्री एक सिमुलेशन बताने वाला हूँ जो आप खुद भी अपने जो आप खुद भी आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने स्टडी कर लिया है। आप अगर कोई जॉब में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ कोई भी कहीं भी आपको ये काम लग सकती है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस पेज पर शेयर करूँगा। कोई स्क्रिप्ट जैसा मैंने कहा तैयार नहीं किया मैंने इसके लिए और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर है पार्टसिम। हम कॉलेज में थे तो हमने पी सिम, प्रोटियोस, मल्टी सिम, सो कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर सीखे थे जो हमारे टेक्निकल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। सो कुछ इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर पार्ट सिम आज आपके सामने। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, partsim.com, यहाँ पर आने के बाद आपको साइन अप करना है जो टोटली फ्री है। आप साइन अप किए बिना भी यहाँ से ट्राई इट नाउ पर जाके कर सकते हैं, बट बेटर है साइन अप करें क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं उनके सेविंग सेव करने के लिए, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए साइन अप की प्रोसेस जरूरी है। बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका एक रुपया भी अपनी जेब से आपको लगाना नहीं है। तो देखिए, आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, आपकी कंपनी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने कॉलेज का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर अगर कॉलेज भी नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर होम भी डाल सकते हो। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपसे पूछा जाता है। बिजनेस फोन और बिजनेस में आप अपना नंबर यहाँ डाल सकते हैं। प्रिंसिपल जॉब फंक्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप जो भी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो ये जो है ऊपर वाला साइन अप फॉर ई वेब पल्स मैगजीन, तो ये ऑप्शनल होगा और ये जो एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करके आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पर पूरा एक साइन अप हो जाएगा। आपका आईडी पासवर्ड आपको पता होगा, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने पर्सनल आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके किस तरह से आप इसमें जा सकते हो, कैसे, कौन से प्रोजेक्ट्स, एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं यहाँ पर लूँगा। जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं उनमें से एक लूँगा, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को हम समझेंगे और ये कितना यूजफुल है सॉफ्टवेयर उसको समझेंगे। पहले मैं अपने आईडी से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैंने अपने आईडी से लॉगिन कर लिया है, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा यहाँ पर नाम दिखा रहा है और ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो अब यहाँ पर मुझसे पूछे जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ये दिखा रहा है। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर क्लिक करते हैं जो ऑलरेडी। सो यहाँ पर जैसे ही आप एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट की अच्छी बात यह है, इस ऑनलाइन एक सिम्युलेटेड टूल की अच्छी बात यह है
कि काफी सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए मेंशन किए गए हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको पूरा एक समझाऊंगा। देखिए, ओपन ट्रांजिएंट, सिंपल सीमोस इन्वर्टर, बाइपोलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पैसिव लो पास फिल्टर, आरसी चार्जिंग सर्किट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स कुछ आपके नॉलेज के लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर विथ स्मूदनिंग कैपेसिटर। ओपन सिमुलेशन जो नीचे दिया है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये ओपन होना शुरू हो जाता है, और देखिए बिल्कुल ओपन हो चुका है। ये पूरी सर्किट आप यहाँ पर साइड में टूल बार दिए हुए हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपको ये पूरा एक की जो प्लेटफॉर्म है वो समझा देता हूँ, उसके बाद इसी एग्जाम्पल को मैं रन करके आपको बताऊंगा। देखिए, ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ फाइल सेव कर सकते हैं, सेव एज, सेव एज अगर आपको करना है किसी फाइल को, न्यू लेना है तो, अगर कोई प्रोजेक्ट सेव किया है तो उसे ओपन करने के लिए, ये जब आप पूरा मॉडल बना लेते हैं उसे रन कराने के लिए है। यहाँ पर ये मॉडल्स जो जो आपने बनाए हैं वो यहाँ स्टोर होते हैं, ये एक्सपोर्ट करने के लिए, ये नेट लिस्ट है, तो ये जितने भी कमांड्स हैं बहुत आसान है, आप आराम से इन्हें समझ सकते हो। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर जो साइड में ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे जेनरिक पार्ट्स, तो ये जितने भी अवेलेबल डिफरेंट डिफरेंट लाइक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर है, आपका कोई डायोड है, या फिर आपका कोई एक छोटा सा सर्किट है, या फिर कोई आपका आईसी है, तो वो सब यहाँ पर पार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे एम्पलीफायर है, कपल्ड इंडक्टर्स है, पैसिव जो इक्विपमेंट्स होते हैं पैसिव टाइप, एंड पोर्ट्स हैं, फिर सेमीकंडक्टर्स हैं, सोर्सेस हैं। ठीक है, जैसे एम्पलीफायर जैसे मैं ओपन करूँ तो ये नीचे दिखा रहा है ओपेम, है ना। देखिए, जैसे हम एम्पलीफायर को ओपन कर रहे हैं, तो ओपन बेसिक और ओपन टर्मिनल, तो इस तरह के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं जो आपके सर्किट में यूज होते हैं आपको यहाँ आराम से मिल जाएंगे। कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ग्रिड दिखा रहा है, यहाँ पर व्यू पॉइंट दिखा रहा है, ये जितना भी चीज़ें हैं आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस पर वर्क करेंगे आप समझ जाएंगे, आपके जो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे कस्टमाइज करके अब उस तरह से आप इस पर अपना प्रोजेक्ट रन करा पाएंगे। फिलहाल के लिए हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है, देखिए हम सभी जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो चार डायोड्स पे काम करता है, D1, D2, D3, D4, चार डायोड हैं, इन्हें हमने अरेंज किया है, और देखिए जहाँ से दो आउटपुट लिए हैं ये ग्राउंड कनेक्ट किया है, ये हमारा सोर्स है V1, ये साइन वेव है, क्योंकि तो AC टू DC हमें करना है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन AC अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये देखिए साइन वेव है, इसके कुछ एंगल और पैरामीटर जो 0-0 है। तो अब यहाँ पर एक कैपेसिटर भी होगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए कैपेसिटर की भी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर रेक्टिफायर होता है, वो 230 वोल्ट आपका जो AC घर में आ रहा है उसे 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर कुछ इसी तरह की सर्किटरी होती है, डायोड्स होते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये R1 है, रजिस्टर है, और ये V है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब इसे हम रन कराएंगे। ये देखिए रन का ऑप्शन है, मैंने रन कराया है। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे सिमुलेशन का कैटेगरी मांगेगा कि आप किस कैटेगरी में सिमुलेशन करना चाहते हैं, DC बायस, DC स्विप, AC एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ये जो सर्किट है हम रन करा रहे हैं, अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर वाला टॉपिक देखा है तो वहां पर आपको पता होगा कि हमारे पास ट्रांजिएंट करंट के कुछ इक्वेशंस होते थे, जिसमें करंट IT की वैल्यू कुछ एक इक्वेशन के द्वारा डिफाइन की जाती थी। सो ये जो करंट आ रहा है हमारा, ये कुछ वही करंट है, सब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो इनके लिए जो ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू अलग अलग होती थी, और वो हमारे सर्किट के पैरामीटर से हम डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के थ्रू ही ये रन होगा। तो यहाँ से मैं इसे रन का कमांड देता हूँ, देखिए ये जैसे मैंने रन का कमांड दिया, अब ये सर्किट नीचे दिखा रहा है सिमुलेशन स्टेटस अब कंप्लीट हो गया है।
इसे मैं क्लोज कर दूंगा। देखिए ये जो हमारा साइन वेव आपको दिख रहा है, सो ये जो एनालिसिस पूरा आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एसी वेव है। ये कर्सर इफेक्ट को मैं नील कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा एसी वेव है, ये एसी है, ये साइनोसोइडल आपको दिख रहा है जो हमारा सोर्स की साइड से हमको मिल रहा था, जो सर्किट में जा रहा था। अब आउटपुट में आप में यहां पर नोटिस कीजिए, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है। देखिए कितना स्ट्रेट हो चुका है, मतलब जो एसी था अल्टरनेटिंग इन नेचर था, पॉजिटिव नेगेटिव था, वो हमारा अब स्ट्रेट हो चुका है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ है, ये प्रोसेस है, ये रेक्टिफिकेशन इसका हो चुका है। जो आउटपुट है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पर M1 पर टाइम भी बता रहा है और वोल्टेज भी 8.343 वोल्ट। तो ये वोल्टेज थोड़ा सा वेरी हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो कर्सर है मेरा, यहाँ पर ये छोटा सा रिप्पल है, मतलब कि वेरिएशन है करंट का, मतलब पूरा डीसी की तरह स्ट्रेट करंट नहीं, रिपल मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है डिपेंड करती है आपके कैपेसिटर पर। कैपेसिटर यहां पर हमने 5 माइक्रोफेराडे का लिया है। अब मैं आपको बताता हूं ये रिपल को कम कैसे किया जाता है। देखिए हम आ जाएंगे सर्किट पर। अब यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये है 5 माइक्रोफेराडे का। अब इसे मैं इसकी वैल्यू 5 से उठा के अगर सपोज 1 माइक्रोफेराडे करता हूं, सो ये जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू मैं 5 से कम करके 1 माइक्रोफेराडे कर देता हूं। अब मैं इस सर्किट को रन कराता हूं, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा रिपल। अब देखिए कैपेसिटर की वैल्यू कम हुई है तो कितना बढ़ जाएगा, उसके बाद मैं आपको रिपल कम करके बताऊंगा। ये जो हमारा सिमुलेशन रन हो रहा है, रन हो गया। अब देखिए जो रिपल पहले 8 से 9 वोल्ट होता था, अब देखिए 6 वोल्ट से सीधा 9 वोल्ट तक जा रहा है, 3 वोल्ट का रिपल जा रहा है। अब इस रिपल को मैं कम करना चाहता हूं, तो अब जैसे देखिए इसको 1 से मैं बढ़ा के 10 माइक्रोफेराडे कर देता हूं, ठीक है। इसे मैं यहां से रन कराऊंगा, आप देख सकते हैं हमने 10 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर की वैल्यू रखी थी। जो रिपल 6 से 9 वोल्ट आ रहा था, आप देखिए उसकी वैल्यू 8.7 से 9 वोल्ट तक जा रही है, ठीक है। कितना रिपल हमने रिड्यूस किया जस्ट बाय चेंजिंग कैपेसिटर वैल्यू। कैपेसिटर की आपकी जो वैल्यू है वो आप अगर चेंज करते हो तो आपके रिपल में कमी होती है, रिपल आपका घट जाता है। अगर इसे और आप साथ स्ट्रेट करना चाहते हैं और इसे थोड़ा सा आप शार्पन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, रिपल्स कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर की एक बात और अच्छी है, यहां पर सिर्फ सर्किट एनालिसिस नहीं, इसी के साथ आप देखिए टॉप ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर रिपोर्ट एंड BOM, ये दो फीचर्स और हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट में आप जाएंगे तो देखिए जो भी हमारी सर्किट है, जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो वोल्टेज रीडिंग आ रहा है, जो करंट रीडिंग आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में आपको यहां मिल जाएगी। देखिए ये देखिए सिमुलेशन कंप्लीटेड, ये सिमुलेशन कंप्लीट हुआ है करीबन 1 सेकेंड में। देखिए वी इन नेट ये देखिए नोड करंट्स V1 ये दिया हुआ है। देखिए सर्किट का फुल एनालिसिस यहां पर आप देख सकते हैं, नोड नंबर ऑफ डेटा रॉस, नंबर ऑफ लाइंस इंडेक, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सर्किट की यहां से आप देख सकते हैं। और ये यूजफुल हो सकता है अगर आप कोई प्रोजेक्ट इस पर रन कर रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर विथ स्मूदनिंग कैपेसिटर, ठीक है। देखिए D1 D2 ये सारी चीजें, ये काफी अच्छी बात है। अब BOM बिल ऑफ मटेरियल, इस सर्किट को बनाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। देखिए डायोड, 4 डायोड यूज हुए, 1 कैपेसिटर यूज हुआ है, 1 रजिस्टर यूज हुआ है। रजिस्टर 1K, ये जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफेराइड है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर आपको उसका जो है सक्सेसफुल सिमुलेशन मिल गया है, रिजल्ट मिल गए हैं, तो हमें क्या है ना उसे बैठ के लिखना पड़ता है क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या पार्ट्स हमने यूज किए हैं। तो यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली BOM में जाके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और जो भी इक्विपमेंट यूज किया है वो आप डायरेक्टली जाके जो भी रिटेलर से वो परचेस कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है इस टूल का, इस ऑनलाइन टूल का।
आपने देखा कि कैसे हम इस एक ऑनलाइन टूल का यूज करके एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का फुल सिमुलेशन देख सकते हैं, कितना यूजफुल हो सकता है ये स्टूडेंट्स के लिए, कितना आसान कर सकता है ये आपके ये एनालिसिस को। इसी तरह की बहुत सारी सर्किट्स हैं आपके जो प्रैक्टिकल में, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको कोई बाहर से सॉफ्टवेयर लेके इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपल है, वेबसाइट पे जाके आपको सीधा सिमुलेशन रन कराना है और चेक कर लेना है आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और भी बहुत सारे सर्किट्स हैं जो यहाँ पर आप ये टूल बार में जाके सर्च कर सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं यहाँ से बना सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे। अगर कोई इसमें क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए फिर आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।